Assalamualaikum. I am Riyad Nawaz Manjo. Today we will discuss on a very important topic, dissolution of Marriage Act 1939. ये एक्ट 1939 में बना, इसमें औरत को ये राइट्स दिए गए हैं कि वो किंग ग्राउंड्स पे खुला ले सकती है. इसके पहले क्या होता था, मुस्लिम जो होता है मुस्लिम के अंदर, औरत को ये पता ही नहीं था कि हम क्या खुला ले सकती हैं या नहीं. उसके बाद ये 1939 में ये ग्राउंड्स मिले हैं, इसके ऊपर औरत खुला ले सकती है अपने हस्बैंड से. इसके जो पहला ग्राउंड है वो है मिसिंग ऑफ हस्बैंड. अगर हस्बैंड लापता है 4 साल तक, 4 ईयर तक हस्बैंड लापता है, उसका किसी भी घर के मेंबर से कोई भी रابطہ नहीं है, मैं कहां हूं, ना उसकी पत्नी से है, ना किसी और घर के मेंबर से कांटेक्ट है, मैं कहां हूं. अगर 4 साल तक वो किसी भी मेंबर से कोई भी रابطہ नहीं करता तो वो पत्नी खुला ले सकती है अपने पति से. उसके बाद आता है इंप्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड. इंप्रिजनमेंट ये होता है कि जो हस्बैंड है उसको किसी भी क्राइम के तहत कोर्ट ने सजा दी है 7 साल तक. 7 ईयर्स तक कोर्ट ने हस्बैंड को सजा दी है. तो अगर 7 साल तक सजा आई है पति को तो वो पत्नी खुला ले सकती है कोर्ट से. उसके बाद आता है फेलियर टू मेंटेन. अगर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता, खर्चा नहीं दे सकता, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकता, तो पत्नी अपने पति से खुला ले सकती है. उसके बाद जो चौथा नंबर है वो फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन. मैरिटल ऑब्लिगेशन अगर वो 2 साल तक नहीं करता, 2 साल तक मैरिटल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो अगर नहीं करता, इसी बुनियाद पे पत्नी पति से खुला ले सकती है. उसके बाद पांचवे नंबर पे आता है क्रुएल्टी. क्रुएल्टी की जो मीनिंग होती है वो होती है जुल्म. अगर हस्बैंड अपनी जो बीवी है उसके ऊपर जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, जलील करता है अपने बच्चों के सामने या मोहल्ले वालों के सामने, या वैसे ही उसको मारता रहता है, पीटता है, तो ये कारण बताकर बीवी खुला ले सकती है. उसके बाद जो होता है 6 नंबर पे वो इंसेंटी, पागलपन. पति अगर पागल हो गया, अगर पति पागल है तो वो पत्नी खुला ले सकती है. उसके बाद 7 नंबर पे है इम्पोर्टेंसी. इम्पोर्टेंसी की जो मीनिंग होती है वो है नामर्द. अगर पति नामर्द है, हस्बैंड जो वो नामर्द है, उसके पास सेक्सुअल इंटरकोर्स वो नहीं कर सकता, उसके पास वो जुजे नहीं है, अगर कोई भी कारण है वो नामर्द है, जो बीवी की बेसिक नीड्स होती हैं वो नहीं पूरी कर सकता, तो बीवी खुला ले सकती है. उसके बाद आता है 8वें नंबर पे आता है इलीगल रिलेशन विद इवन रिप्यूटेड वुमेन. एक बीवी की पति ऐसा है जिसकी किसी गंदी औरत से गंदे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उसका रिलेशन है किसी गंदी औरत से, तो ये भी कारण बताकर पत्नी खुला ले सकती है. उसके बाद जो होता है 9 नंबर पे वो अब्सेस इन रिलीजियस प्रोफेस. पति फोर्सली अपनी पत्नी को मजहब के ऊपर बोलता है. अगर वो कहता है आप मजहब अपना चेंज कर लो
तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1939 ये इजाजत दे रहा है कि हर शख्स अपने लिए मजहब चुन सकता है, जो भी उसको सही लगता है वो कर सकता है मजहब के बाद। उसके बाद जो है 10 नंबर, इमोरल लाइफ। इमोरल लाइफ क्या होती है? अपनी पत्नी को वो ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो इमोरल है, चोरी पे लगाना या उसको ऐसे काम करवाना जो पत्नी के लिए गंदे हैं, इमोरल है। तो पत्नी ये भी बता सकती है कि जो पति है वो गलत काम करवाता है मुझसे, तो पत्नी खुला ले सकती है। उसके बाद है हैबिचुअल असॉल्ट। इसमें क्या होता है? हस्बैंड ऐसा है जो क्राइम करता रहता है, एक बार नहीं वो करता रहता है, उसने क्राइम को अपना प्रोफेशन बना लिया है। अब एक बार उसने गंदा काम चोरी की, उसने फिर से की, अगर आज 5,000 की चोरी की तो उसने जब अगली बार की तो 20,000 की कर ली, या आज उसने एक खून कर लिया, चोरी करते हुए खून भी कर लिया, वो बार बार इसे ही अपना प्रोफेशन मान ले, तो पत्नी पति से जान छुड़ा सकती है खुला के जरिए। उसके बाद 12 नंबर पे डिजीज। अगर हस्बैंड को कोई ऐसी डिजीज है, वायरस है या लिप्रोसी है, जिससे पत्नी को भी खतरा है या बच्चों को भी खतरा है, तो ये भी कारण बताकर खुला ले सकती है। उसके बाद जो होता है 13 नंबर पे मोर वाइव्स। इस्लाम के मुताबिक मुसलमान मर्द 4 शादियां कर सकता है, लेकिन सबको एक बराबर रखना भी उसका फर्ज है। अगर एक हस्बैंड है जो जिसने 3 शादियां की, लेकिन वो तीनों को बराबरी नहीं दे रहा, किसी को हक दे रहा है किसी को नहीं दे रहा, जिसको हक नहीं मिल रहा है वो खुला ले सकती है, ये ही बताकर इक्वलिटी नहीं है। तो आज हमने 13 ग्राउंड्स क्लियर कर लिए, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।